मेरा क्वेश्चन ये है कि अक्सर लोगों के साथ एक काम होता है कि बहुत रेयर है मेरे साथ होता है कि जो भी मैं काम करता हूँ या मेरे साथ जो होता है तो मेरा दिमाग ये कहता है कि ये मेरे साथ पहले हो चुका है एक बार, और मैंने इसमें तर्क भी किया था तो वहाँ मुझे प्रॉपर क्वेश्चन का जो है ना आंसर नहीं हुआ, तो उसमें ये मुझे मिला कि इस दिमाग की जो है हो चुका है अब क्यों ये हो रहा, तो इसका मुझे क्वेश्चन आंसर चाहिए। ठीक ठीक, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। दो चीजों को चेक कीजिए, आपकी नींद, जैसे मैंने अपनी डिटेल में बताया नींद के बारे में, पहली चीज ये चेक कीजिएगा कि जो नींद पे मैंने काम कहा है नींद की क्वालिटी क्या है और नींद कितनी सही है, पहला काम आप ये कीजिएगा, और जो मैंने जितने फैक्टर्स बताए हैं स्लीप के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि कन्फ्यूजन जो है, अपनी कन्फ्यूजन, यानी बाज़ोकात हम एक स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन में होते हैं और हमें अंदाज़ा नहीं होता कि हम अपनी स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन से बाहर कैसे निकलें, उसका भी एक तरीका है। कोशिश कीजिए कि अपने सवाल, अपनी कन्फ्यूजन को सवाल में फ्रेम करें और एक पेपर पे लिस्ट डाउन करें, तो जितने सवाल आते चले जाएं उनके ऊपर गौर फिक्र करें और अपनी एक अटेम्प्ट करें कि इनका मुमकिन जवाब क्या है, फिर अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह इन सवालों पर मुझे क्लैरिटी अता करें। जिस कंफ्यूजन के ऊपर क्वेश्चन फ्रेम हो गया वो ऑलरेडी कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर आना शुरू हो गया, जब प्रॉब्लम डिफाइन करते हैं ना तो ऑलरेडी वो प्रॉब्लम के ऊपर काबू पाना शुरू कर देते हैं, वो कंफ्यूजन रिजॉल्व होती है। तो दो बातें हो गई। तीसरी बात, हम ना सिर्फ अपने जिस्म के अंदर ही कैद नहीं है, ये बात ठीक है, बाज़ औक़ात इंसान का कोई, अब ये एक बिल्कुल अलग किस्म, तो आपने कहा ना कि कोई मैं किसी जगह पे जाता हूं मुझे लगता है ये तो मैं हो चुका है मेरे साथ, तो बाज़ औक़ात इंसान के कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं जो उसकी फिजिकल बीइंग के साथ, यानी एक उसमें शायद ना हुए हों लेकिन हो सकता है, यानी हम ये एक बिल्कुल एक अलग प्लेन की बात कर रहा हूं, यानी इंसान सिर्फ अपने जिस्म तक महदूद नहीं होता, बाज़ औक़ात इंसान का तख़य्युल, बाज़ औक़ात इंसान का वजदान, बाज़ औक़ात इंसान का एक रूहानी तजर्बा उसके सामने कोई ऐसी हकीकत मुनकशिफ कर, मतलब कोई चीज़ उसको रियलाइज होती है, उसके लिए इनएक्सप्लेनेबल होती है, उसे भी नहीं पता होता कि उसे कैसे ये बात पता है, उसे भी ये नहीं पता होता कि उसके जहन में ये बात कैसे आई है। ये बाज़ औक़ात होता है, आप कहीं जाते हैं आप कहते हैं मुझे लग रहा है मैं यहाँ पहले आया था, मुझे लगता है कि मैं ये बात पहले सुनी है, मुझे लगता है कि मैं ये बात पहले देखी है, मुझे लगता है मैं इस बंदे से पहले मिला हूँ, ये सिचुएशन मेरे साथ जो हुई है ये पहले हुई है, तो ये बाज़ औक़ात होता है और इसमें परेशान नहीं हो, अल्लाह ताला तो कादिर है आपको, मतलब ये एक बेसिक लेवल पर होता है, इसमें परेशान नहीं, लेकिन जिस चीज़ पर हमें काम करना चाहिए, नहीं तो जैसे हमें अपनी नींद पे काम करना है वैसे ही हमें अपनी ग़िज़ा पे काम करना है, वैसे ही हमें अपने थॉट प्रोसेस पे काम करना है, वैसे ही हमें अपनी कन्फ्यूजन्स को रिजॉल्व करना है। जब हम इन चीज़ों पे काम करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारे बहुत सारे मामलात मतलब बड़े हमें इत्मीनान और बड़ा सुकून और बड़ी बड़ी बहुत लाइट फील करेंगे और अल्लाह ताला हिकमत अता करेगा इंशाअल्लाह। बात वाज़ेह हो रही है, तो इसमें परेशान नहीं हूँ, मतलब ये अल्लाह करे कि ये सवाल हम सब के दिल में पैदा हो, ये सवाल हम सब की परेशानी बने कि मैं नमाज पढ़ता तो हूँ लेकिन माइंडलेसली पढ़ता हूँ और मुझे अल्लाह से मुलाकात का, यानी मेरी नमाज रब्बे करीम से मुलाकात का एक्सपीरियंस बनने में नाकाम रही है।